रॉकिंग ग्रेनेडर्स फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बिलवाड़ा के अंदर। एक डॉक्टर साहब हैं जो आरसी विहार कॉलोनी बिलवाड़ा के हैं और ये विशेषज्ञ हैं, बवासीर, फिस्टुला और गुदा रोग के विशेषज्ञ हैं। तो दोस्तों, आज के कुछ समय पहले अपने रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट्स डॉक्टर साहब ने यूज किया था, तो आइए दोस्तों अपन इनसे जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत थी और कितने टाइम में इनको रिलीफ हुआ। तो अपन इन्हीं की जुबानी जानते हैं। यस सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? हाँ, मैं डॉक्टर ओपी शर्मा जी, और एमजी हॉस्पिटल से मैं रिटायर हुआ हूँ। जिला आयुर्वेद अधिकारी की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और अभी मेरा अपना निजी चिकित्सालय है जीवन ज्योति पाइल्स हॉस्पिटल के नाम से। जी जी। तो सर, डॉक्टर साहब, आपने रेंटस वेलनेस के प्रोडक्ट को कितने समय तक यूज किया और इससे आपको क्या रिलीफ मिला? मैं थोड़ी सी आपको प्रीवियस हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जी जी। अक्टूबर में मेरे बाईपास हुआ था और उसके बाद अभी पिछले 2 महीने के पहले मेरे को पैरालिसिस का भी अटैक हुई स्ट्रोक की वजह से। जी। तो मेरे को जैसे ही इसकी जानकारी मिली इस प्रोडक्ट की, जी, मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर मुझे ये रिलीफ मिला है। पहले तो मेरे शुगर का तो लेवल, फास्टिंग मेरा 170-60-70 के बीच रहता था, जी, वो नॉर्मलाइज हो गया है, लगभग 120-125 के बीच में आ रहा है। दूसरी बात, जो हाँ मेरे चलने फिरने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी पैरालिसिस की वजह से, जी, वो भी काफ़ी कुछ रिकवर हो गया है। मैं अपना रूटीन का वर्क सारा इजीली कर पा रहा हूँ। जी। बीपी भी कंट्रोल में है, शुगर भी कंट्रोल में है और प्रीवियसली जो मेरी कंडीशंस थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी जी। और इसके लिए हमने इसका ये जो टूथपेस्ट है इसका भी हमने उपयोग किया। एक ये काढ़ा है, काढ़ाइयों के नाम से जो है, जी, इसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। इसमें जो कैप्सूल्स हैं जी, मेन चीज वो भी इसका उपयोग हम सुबह शाम बराबर कर रहे हैं। जी। इससे जहाँ तक मैं एज ए फिजिशियन की बात कह सकता हूँ कि पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है इन मेडिसिन से। दूसरा, इम्यूनिटी जो है वो हमारी बूस्टअप होती है। जी। और सभी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बीमारियाँ असाध्य श्रेणी में आती हैं या एलोपैथिक मेडिसिन ले लेकर के आदमी थक जाता है, हार जाता है, तब ये एक प्रकार से हम इसको उपयोग करने से आपको निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड डायनेमिक रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे बीमार जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड या इसी प्रकार की कोई बीमारियाँ जो कि काफ़ी लंबे समय से आदमी भुगतता है, उसके लिए इसका एक बार उपयोग करके देखें और आयुर्वेद की इस मेडिसिन का लाभ उठाएँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जो मेडिसिन है आपने बहुत ही शानदार इसके बारे में हमें जानकारी दी और आप जैसे सीनियर सिटीजन से ये बात सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा और बड़े गर्व की बात है कि आपने कई लोगों को इसके फायदे के बारे में बात करी। और ये जो मेडिसिन है सर, ये आपने कहाँ से प्रोवाइड करी है, आपको कैसे मिली है, किन के माध्यम से आपने ये लिया? यहाँ पर जो रेनेटस नोवा के जो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं जो यहाँ पर इस कार्य को देखते हैं, प्रतिभा जी अजमेरा, इनसे मेरा संपर्क हुआ और इन्होंने ये मेडिसिन मुझे उपलब्ध कराई है जी। और इसका मैंने उपयोग चालू किया और उसका रिजल्ट जो है मुझे सामने मिला है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जो नए लोग आपको सुन रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए उनको बिल्कुल ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप होगी। जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना के महामारी के दौर से गुजरे हैं, उसकी कारण से हर व्यक्ति की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी है तो भी पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं, आदमी खूब दवाएँ खाते हैं, एलोपैथी की तरफ भागते हैं। तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी और बढ़ रही है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की मेडिसिन ही अंतिम उपाय कह सकता हूँ मैं। और ये जो मेडिसिन है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगी और जो बीमारी की जड़ है, जो कारण है, उस कारण को दूर करने में भी सहायक होगी। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका, आभारी हूँ आपका कि आपने इतना शानदार नॉलेज आपने दिया। उसके लिए थैंक यू रॉकिंग ग्रेनेडस।